वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू पाठशाला। हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसी को डिस्कस करने के लिए आज हम इस चैनल को वीडियो को लाए हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें हम लोगों ने आपको पहले ही डिस्कस करा दिया है कि एंशियंट हिस्ट्री का क्या पोर्शन आने वाला है, मेडाइवल का क्या पोर्शन आने वाला है और मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये चीजें आसान होगी समझना थोड़ा सा। तो ये हम बता दें कि सीयूईटी पीजी का जो 2024 का एग्जाम है उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाले हैं। दूसरी चीज, हम अपने चैनल के थ्रू सीयूईटी पीजी के हर कोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं, साथ में यूजी के सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन कराते हैं। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को डोमेन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये बात अच्छे से समझिए कि सीयूईटी पीजी के जो एग्जाम होंगे या यूजी के, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके पार्ट वन के होते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें पूछे जाती हैं। तो वो पोर्शन जो होगा वो 25 क्वेश्चन का होगा, वो पार्ट वन का है। और पार्ट बी जो मैं पढ़ाती हूँ, मैं पार्ट बी की टीचर हूँ और मैं अपने डोमेन जो है वो हिस्ट्री है हमारा डोमेन, तो हम अपने हिस्ट्री को पढ़ाते हैं। इससे सीयूईटी पीजी में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो 75 है, ये आपको ध्यान में रखना है कि वो 75 क्वेश्चन है। इससे पहले की कई वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि 75 क्वेश्चन हिस्ट्री के किन किन पोर्शन से कितना कितना क्वेश्चन कवर करेगा। तो इससे पहले हम जब लोग डिस्कस कर रहे थे, इससे आगे के कई वीडियो में ये सारी चीजें आपको बताई गई है कि इंसेंट में क्या क्या टॉपिक कवर करना है, कैसे पढ़ना है, मिडाइवल का क्या क्या है, तो मिडवल के भी पोर्शन में सारी चीजें डिस्कस की गई है। इंसेंट का भी हो गया है, मिडवल का भी हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का बचा हुआ है और वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हमें किन किन टॉपिकों पर कितना फोकस करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा। तो आप अगर ये चीज समझेंगे तो उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री में आज ही देखेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ कहाँ से, क्योंकि पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम कराते थे, तो सबके अपने अपने जो पेपर होते हैं उसके बेसिस पे कराते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन पूछा करते थे। तो पहले के अगर हम पेपर देखें तो यूरोप की हिस्ट्री, रशिया की, अमेरिका की, फ्रांस की, इसके साथ ही सेंट्रल एशिया हो गया, सेंट्रल ईस्ट एशिया हो गया, इन सब की हिस्ट्री भी पूछी जाती थी, जिसमें चाइना, जापान और सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये ईरान और जितनी भी कंट्री फिलीपींस वगैरह की भी हिस्ट्री पूछी जाती थी। लेकिन अभी सीयूईटी पीजी ने जो अपना नया सिलेबस जारी किया हुआ है, जो नए अपडेट के साथ हुए हैं, ये चीज आपको देखना है कि जो नए अपडेट हुए हैं उसमें क्या हुआ है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन में जो चेंजेस हुए हैं वो काफी कम कर दिए गए। अब आपको सिर्फ यूरोप की हिस्ट्री पढ़नी है, फ्रांस पढ़ना है, रशिया और अमेरिका पढ़ना है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल फार ईस्ट की जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे वो हटा दिया गया है। तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन हुआ करती थी, चाइना की हिस्ट्री हम पढ़ते थे, जापान की, तो लोगों को नाम भी नहीं सही से लर्न हो पाते थे, तो ये चीजें बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, पहले के वीडियो में भी जा चुका है कि किन किन पोर्शन से कितना कितना क्वेश्चन आएगा। तो एक चीज हम पहले डिस्कस एक बार फिर से बता दें कि एंशिएंट हिस्ट्री से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिडवल हिस्ट्री से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मॉडर्न से आपको भी 20 क्वेश्चन, और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिए, 15 क्वेश्चन, ये टोटल 75 का पोर्शन बनेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 75 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो हमारा पहला वीडियो था और जो हम इस सीरीज को फॉलो कर रहे थे उसमें ये सारी चीजें डिस्कस किए हुए हैं कि एंशिएंट के किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो पूछा गया है वो कहाँ कहाँ से पूछा गया है, मोस्टली लिटरेचर से पूछा गया है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, किन किन इंसिडेंट पे कौन कौन से इंस्क्रिप्शन बनाए गए थे, किन इंस्क्रिप्शन को बड़े मेजर पे आप पे देखेंगे पब्लिक के बीच में लाया गया था, उनका क्या इंपैक्ट पड़ा था। मोस्टली ये सारी चीजें हम अशोका के टाइम पीरियड का देखते हैं या गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड का देखते हैं, तो वो इंपैक्ट आपको देखना है। दूसरी चीज, हम लोग जब मिडवल को फॉलो कर रहे थे सीरीज, तो मिडवल के भी टाइम पे हम लोगों ने ये चीज देखा कि मिडवल के टाइम पे बहुत सारे लिटरेचर जो है वो लिखे गए हैं और जितने भी
हम लोग बात करेंगे तो जो प्रोविंशियल स्टेट थे उस टाइम, जो मतलब जितने अलग अलग फ्री रूलर्स शासन कर रहे थे, मोस्टली मालवा का हो गया, जौनपुर का हो गया, बंगाल का हो गया, तो आप ये देखेंगे कि वो शासक जो है वो अपने यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहे हैं, तो उन इमारतों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा जाता है, उनकी डायनेस्टी को एक ऑर्डर में, उनकी डायनेस्टी के जो रूलर रहे हैं उनको एक ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि मिडाइवल के किन किन पोर्शन से कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा मॉडर्न का टॉपिक है। अब मॉडर्न के टॉपिक में हम टॉपिक वाइज आपको बताते जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि किन किन क्वेश्चन को पूरा करना है और क्वेश्चन कहां कहां से पूरा करने के चांस हैं, ठीक है। तो आप ये चीज समझेंगे और अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से ध्यान में दिए तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा समझ के पढ़ने में। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तो आपको जो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाएंगे, ये सियोरिटी होती है ना, तो ये आपको जो इस चीज में समझने में टाइम वेस्ट होता है ये टाइम आपका नहीं वेस्ट होगा। तो आपको इन्हीं पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हुआ। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे, दूसरी चीज सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग मिडाइवल के पोर्शन को अलग अलग हिस्टोरियन या अलग अलग जो ब्रिटिश ऑफिसर है उन्होंने अलग अलग पोर्शन में बांटा है। मैं बताना चाहूंगी कि जिस चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो मोस्टली है वो जेम्स मिल के थ्रू जो हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री या कॉलोनियल हिस्ट्री के टाइम आधा फेज को जानते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला टॉपिक है, मैं टॉपिक वाइज लिख रही हूं तो आपको चीजें समझने में इजी होंगी, ठीक है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल से करते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज दीजिएगा, मुगल काल का पतन, ठीक। आपको ये चीज इस पे ये ध्यान देना है कि मोस्टली जो जो इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं मुगल डायनेस्टी के, अकबर हुआ, बाबर हुआ, और अकबर बाबर हुआ, शाहजहां हुआ, जहांगीर हुआ, औरंगजेब, इनके पोर्शन को हम लोग मुगल काल में पढ़ते हैं। वो दिल्ली सल्तनत के 1707 तक का आ जाता है, ठीक है। ये 1707 तक के पोर्शन औरंगजेब की डेट तक का करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 1707 से, ठीक है, 1857 तक के पोर्शन को बहादुर शाह जफर के, ओके, 1857 में बहादुर शाह जफर के टाइम पीरियड तक कवर करते हैं, तो आप देखेंगे ये जो पीरियड है ये मुगल लेटर मुगल पीरियड है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुगल काल का जो अंतिम चरण चल रहा है उसको ध्यान में रखना है। इसमें आपको बहुत सारे शासक के बारे में कवर करना है, तो आप ध्यान रखिए कि जितने भी शासक हैं उनका टाइम पीरियड भी बहुत कम है। फिर आप उसमें देखें किंग मेकर्स आ रहे हैं, उनकी इंपोर्ट सैयद बंधु जिनको हम बोलते हैं, फिर अलग अलग कम्युनिटी में ईरानी तुरानी इन सब भागों में बढ़ जा रहे हैं, तो वो उनकी इंपॉर्टेंस कोर्ट में ज्यादा हो गई। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी, ठीक है। कंपनी में आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है, चार कंपनी है, पुर्तगाल से जो आ रही, फ्रांस से जो आ रही, डच आ रही, और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इन कंपनी से ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जो पोर्शन जो कंपनी आ रही अलग अलग एरिया में रूल कर रही है, उनकी जो पॉलिसी है, लाइक हड़प नीति हो गया और सहायक नीति हो गया ना, तो ये अलग अलग नीतियां कब लागू हुई, कब हुई, किन शासकों से हुई, शासक और उनका टाइम, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको ध्यान में रखना है। कंपनी कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, उनके जो फैक्ट्री थे वो आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली अगर आप सारी फैक्ट्री नहीं याद रख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उनकी स्टार्टिंग कहाँ हुई, आखिरी कहाँ हुई, कौन सा उनके बीच में ट्रिटी हुई है, क्योंकि जब हम लोग कर्नाटका वॉर वगैरह पढ़ते हैं, जैसे मैंने
सारे जो हमारे लेक्चर होते हैं उसमें, इसलिए मैंने उन सारे पॉइंट को हाईलाइट कर दिया हुआ है ताकि आप वहां अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो ये चीजें आपको वहां पे बहुत इजी तरीके से बताया गया है कि जब हम कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी ट्रिटी हो रही है, सेपल हो रही है, फिर उसके बाद मद्रास की क्या मैसूर डायनेस्टी से जब हो रहा है हैदर से तो कौन कौन सी मैंगलोर की संधि हो रही है, मद्रास की संधि हो रही है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो रही है, कब उनको उनके ऊपर सहायक संधि थोपी गई, ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है। कब उनकी रियासत को वापस किया गया, ठीक है, फिर से वाडियार शासक को जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है उसके बाद फिर से वाडियार शासक को दे दिया जाता है, तो आपको ये समझना है वहां पे, ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट जो रहा है हमारा वो ये चीज आपको इसमें मैं ये भी कर दूं, इसमें कंपनी के साथ जो शासक रहे हैं, ठीक है, इसमें मोस्टली बंगाल की पॉलिसी जो रही, बंगाल हुआ, दक्षिण भारत हुआ, ठीक है, साउथ इंडिया की बात करें तो दक्षिण भारत हुआ, ये सारे उस टाइम की इंडिया में जो भी आप एक मैप बनाएगा उसमें रिलेट करिएगा किन किन जगहों पे किन किन डायनेस्टी है और कौन कौन कंपनी, कंपनी यहाँ पे बेसिकली हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहा है वो पुनर्जागरण, ठीक है, 19th सेंचुरी का, तो आपको इसमें क्या पढ़ना है, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। धार्मिक में बेसिकली हम लोग जितने भी उस समय संस्था बने थे लाइक ब्रह्म समाज, आर्य ब्रह्म समाज, आर्य समाज, या हम लोग वेदांता सोसाइटी, या आपको ऑल ओवर जितने सोसाइटी बने हैं ये इनके फाउंडर कौन है, कब बना है, कहाँ बना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे राजनीतिक बनाया है ये आपको ध्यान में रखना है कि 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी, अब जैसे हो गया पूना सभा हो गया, पूना सभा हो गया, मद्रास सभा हो गया, महाजन सभा हो गया, ये बेसिकली बंगाल, बंगाल, मद्रास, बंबई, मद्रास, बंगाल, बंबई और हाँ ये तीन जगह ही मोस्टली जो सभाएं बन रही है वो यहीं पे बन रही, तो आपको ये ध्यान में रखना है। धार्मिक मैंने बता दिया, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ये हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, या ऐसे बहुत सारे केशवचंद्र सेन हो गए, आपको ये चीज समझना है, ठीक है। आर्थिक में इसमें आपको ध्यान में रखना दादा भाई नरोजी या और भी जितने इंडिया के लोग हैं या पर्शियन कम्युनिटी के थ्रू आर्थिक जो ये दूसरी चीज आपको ये समझना है कि आर्थिक बेसिस पे या फाइनेंशियल बेसिस पे जो कम्युनिटीज बनाई गई, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, उनको आपको ध्यान में रखना है कि कब बना है, किसने बनाया, तो ये ही चीजें आपको समझनी है, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो चीजें आपको समझना है, हाँ यहाँ पे मैं बता दूं, एजुकेशन प्लस समाचार पत्र, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आप अपनी इसमें लिख के रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बता दूं क्योंकि एजुकेशन की पॉलिसी कहाँ से, एजुकेशन के लिए सबसे पहले डोनेशन मतलब अनुदान किए गए कि 1,00,000 रुपए, तो किस चार्टर एक्ट से किए गए, तो बेसिकली ये आया 1792 में था लेकिन उसको 1813 में हाईलाइट किया गया था 1,00,000 रुपए का। फिर आप देखोगे 1833 में ये पोर्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है एजुकेशन पे, यहाँ पे मैकाले ने अपनी पॉलिसी लॉन्च की है एजुकेशन के लिए, बताया है कि मीडियम क्या रखना है, कैसे यहाँ के लोगों को अपने काम के लिए बेटर बनाना है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, इन सारी पॉइंट्स को आप ध्यान, आप जब पढ़ो तो आप सारे पॉइंट को एक साथ रिलेट किया करो कि ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, इससे ये हिस्ट्री हुई थी, फिर आप जब भी कोई भी आंसर या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप इस चीज को समझ सकते हो, तो आपको ये समझना है। न्यूज़पेपर है आप इस पे समझिएगा, जितने इसके लाइसेंस कब कब किए गए थे, कब कब इसको रद्द करने की गई थी, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स के पीछे कौन कौन से संपादक रहे, आपको ये ध्यान में रखना है, कौन समाचार पत्र या कहां से किया गया था, किन जगहों से किया गया था, ये ध्यान, मोस्टली इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कौन सी पत्रिका किसकी है, कौन से समाचार पत्र के संपादक कौन है, पहले कौन किन्हीं ने संभाला, बाद में जैसे अगर हम तिलक की बात करें तो इनका केसरी और मराठा था, केसरी किस भाषा में था, मराठा किस भाषा में था, आपको ये सारी चीजें समझनी और उसके बाद लिखना है, ठीक।
ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है। हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है वो मोस्टली जो हम इम्पोर्टेंट है वो आदिवासी प्लस किसान 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 प्लस 1857 का विद्रोह। ठीक, इस टॉपिक में आपको आदिवासी किसान और 1857 का रिवोल्ट इसको साथ में लेके पढ़ना है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको इसमें जन आंदोलन। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इस पोर्शन को पढ़ेंगे तो आपको आप ये मोस्टली 1700 से स्टार्ट हो जाएगा, 1700 से चलेगा और ये 19 ये लगभग 200 सालों के बीच की हिस्ट्री है। आपको ये चीज समझना है, ये 200 सालों के बीच की हिस्ट्री है। आपको इसमें ये कवर करना है आदिवासी किसान मूवमेंट जितने आंदोलन चले थे, क्योंकि यही सारे जो मेन जो पकड़ेंगे वो 1857 पकड़ेंगे। ये जन आंदोलन कहाँ से, जन आंदोलन मोटिवेट हुआ था किन किन लोगों में, किन किन पोर्शन में किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1857 का जो आउटपुट निकला है वो क्या क्या रीजन रहे हैं जो उस टाइम पे एक मेजर लेवल पे किया गया है। इसलिए मोस्टली बीडी सावरकर की बुक जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, किस लिए इसको 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा रहा है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टॉपिक ले इससे पक्का पूछता है, आदिवासी को लेके ही पूछ लेगा या किसान आंदोलन को लेके पूछ लेगा कि किन किन कहां इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे या किन स्थान पे थे, इनको फांसी कब हुई थी या सरकार द्वारा पकड़े गए कितना इनाम रखा गया था। तो आपको ये पोर्शन ध्यान में रखना कि ये चीज हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, हमारे जो लेक्चर होते हैं उसमें ये सारी चीजें हम लोगों ने बताई है और इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं, जिसे आपको ये क्लियर हो जाए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। ठीक, मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, तो यहाँ पे मैं आपको यही बताने चाह रही हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमारा छठा पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आंदोलन, इसको दो फेज में पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, मोस्टली जो आप पहला पढ़ेंगे वो पहला वाला जो होगा वो 1885 से स्टार्ट होके आप मोस्टली उसको ले जाएंगे 1919 तक। ठीक है, इसमें कांग्रेस की स्थापना से लेके कांग्रेस के कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए, कांग्रेस में कौन कौन मुख्य नेता थे, कौन कौन सी घटना हुई, किस ईयर में 1907 में कांग्रेस विभाजन हो गया, 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, क्या क्या स्वदेशी मूवमेंट चलाए गए, 1909 में माले मिंटो एक्ट आया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें आपको लेके पढ़ना है 1919 तक, 1919 के चार्टर एक्ट तक पढ़ना। आपको ये चीज समझना है, इसपे क्या आप देखोगे कि यहाँ के जो मेजर ये पोर्शन चल रहा है इसमें गांधी जी की इंपॉर्टेंस बहुत कम है। इसमें एक इंसिडेंट आता है 1916 का बीएचयू की स्थापना, 1916 में बीएचयू की स्थापना जब आता है तो यही वो इंसिडेंट है जहां से गांधी एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। और इनको आप फिर जब गांधी के पोर्शन को देखेंगे तो 1917 चंपारण हुआ, 1918 खेड़ा हुआ। ठीक है, 1900 आप अब इसमें देखेंगे कि खेड़ा हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ 1918 में, इसके बाद 1919 में गांधी एक प्रॉपर पब्लिक के नेता या एक राजनेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। तो आपको ये पोर्शन समझना है। इसका दूसरा पोर्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा पोर्शन जो होगा वो बेसिकली 1919 से 1947 तक का, ये आपको पोर्शन ध्यान में रखना है कि 1919 से 1947 तक का जो पोर्शन है वो सेकंड फेज है नेशनल मूवमेंट का। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें आपको किस किस की इंपॉर्टेंस ज्यादा पढ़नी है। इसमें आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक्टिविटी पढ़नी है, सुभाष चंद्र बोस की एक्टिविटी पढ़नी है, गांधी जी की एक्टिविटी पढ़नी है, कौन कौन से मूवमेंट हुए, कौन कौन से मतलब विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है, कब जेल गए, किन्होंने इसके ऊपर बुक लिखी, एनी बेसेंट के बारे में पढ़ना है, मालवीय जी के बारे में पढ़ना है, तो आपको इन सारी चीजें सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया है इस पे आपको पढ़ना है। तो आपको ये सारी चीजें समझ के रखनी है। तो इस तरीके से आप 19 से 47 तक के मॉडर्न हिस्ट्री का ऑल ओवर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आप कवर करेंगे। फिर हम लोग
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अभी रिलेट किए गए हैं क्योंकि कई एग्जाम में देखे गए हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1947 से अगर आप बात करेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 1975 तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, इस पोर्शन से क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं बेसिकली अमेरिका को रिलेट करके, तो यहाँ पे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद, अगर हम लोग देखें 1945 के बाद जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो जाता है तो कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि 1945 के बाद से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वार स्टार्ट हो रहा है। तो कोल्ड वार स्टार्ट होने पे इंडिया का क्या है, क्योंकि नेहरू पंचशील सिद्धांत ला रहे हैं, उसमें अलग अलग लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज पूरा वर्ल्ड जो है वो दो कम्युनिटी में बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक सोवियत संघ का, दूसरा अमेरिका का। तो आपको ये रिलेट करना, जब आप, क्योंकि सोवियत को भी पढ़ना है हमें और अमेरिका को भी पढ़ना, तो ये इस तरीके से आपको सारी चीजें कवर करनी है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें बताया कि इस तरीके से आपको किन किन पोर्शन से क्या क्या टॉपिक कवर करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही है या कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी भी इसके, ये आपको मैंने मेन हेडिंग बताई है। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये मेन हेडिंग है, आपको इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं, मोस्टली अब ऊपर से कोई नहीं पूछता है गांधी जी कब मरे थे या गांधी जी की पुस्तक कौन है, कब लोग पूछते हैं गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक लिखी है स्वराज वो कहाँ पे लिखी है, किस लैंग्वेज में लिखी, क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे हैं। तो आपको समझना, अगर आपको पता होगा तो आप सीधा बताएंगे, जब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो सीधा बता देंगे गुजराती में लिखी गई है 1909 में उन्होंने लिखी, जहाज से आ रहे थे पानी की तो उस पर उन्होंने लिखी है। तो आपको ये चीज में आना है, आप पढ़िए, आप इसके सब टॉपिक्स को देखिए, इस टॉपिक से रिलेट करके अदर जो हिस्ट्री बन रही है आपको उसको देखना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको रटते जाइए समझते जाइए, लेकिन आप उस चीजों को एक बार अपने ध्यान में रखिए कि हाँ इससे इन्होंने ये बुक लिखी थी। अगर आप नेहरू पे कर रहे हैं, नेहरू को पढ़ रहे हैं, तो आप नेहरू कौन कौन सी बुक है, नेहरू को कब कब जेल हुई थी, वो कब इलाहाबाद के मेयर बने थे, कब उन्होंने मतलब 1929 के जब चुनाव, मतलब उस टाइम जो अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का लाहौर कराची का अधिवेशन, उसमें उन्होंने क्या कहा, क्या क्या डिसीजन लिया, क्यों लोकतंत्र को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, उनकी आइडियोलॉजी किस, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं रिया बीएचयू पाठशाला पे आपको सेकंड पेपर जो है वो पढ़ाती हूँ। तो मैं आपसे यही कहूंगी, जिन बच्चों को सीयूटी पीजी की हिस्ट्री के कोर्स खरीदने हैं, उनको अच्छे से इस बात क्लियर करना है, तो वो जल्द से जल्द हमारा कोर्स खरीदें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको सीयूटी पीजी में काफी हेल्प होगा और आप अच्छे से अपना एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कर पाएंगे। तो मैं आपको यही कहूंगी, और ऑल ओवर हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं इस सीरीज में, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए।